जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अगर आपका नाम जाप करने में मन भटकता है, एक जगह पर मन नहीं लगता, जैसे ही आप राम नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं वैसे ही आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक ही आप राम नाम का जाप कर पाते हैं। तो आज इस विषय पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपने मन को राम नाम के जाप में लगाया जाए। मन एक बिगड़ैल घोड़े के समान होता है, अगर इसकी लगाम ठीक ढंग से अपने हाथ में नहीं ली जाए तो ये जो उसके सवार ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार होता है उसको हस्त व्यस्त कर सकता है, उसको बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसी तरह से हमारा मन है, अगर मन को ठीक तरह से अंकुश में नहीं रखा जाए तो यह हमें गलत से गलत मार्ग पर ले जा सकता है और हमारे मन का यह खेल हमारे पूरे जीवन को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो सबसे पहले अपने मन को वश में करने के लिए आपको नियम और संयम की आवश्यकता होगी और आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने पर आपको मन को वश में करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगी। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अगर कोई निरंतर अभ्यास करता है तो बड़े से बड़ा मूर्ख भी परम विद्वान बन जाता है। अगर चंदन कितना भी शीतल क्यों ना हो, अगर चंदन को घर्षित किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो चंदन से भी आग उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से अगर हम अपने मन पर निरंकुश लगाएंगे, जब तक निरंकुश रखेंगे तब तक वो हमारे वश में नहीं आएगा। जब हम उस पर वैराग्य रूपी अंकुश लगा देंगे, राम नाम रूपी अंकुश लगा देंगे तो मन धीरे धीरे पंगु हो जाएगा और आपके कहे में आएगा, आपकी बातों को मानेगा। जैसा आप करना चाहेंगे वैसा आपका नाम, आपका मंत्र, आपका राम नाम का जाप आपके जीवन में करने लग जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपने 10 मिनट का भजन करने का नियम बनाया है और 10 मिनट आप भजन पर बैठे, उस समय अगर आपको कोई उस जगह से उठाने का या फिर नाम जाप से अलग करने का प्रयत्न करता है, आपको अलग करने का दुस्साहस करता है तो आपको वह सहन नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि कैसे भी हो यह मेरे पास से चला जाए, क्योंकि मैं पूरे दिन में ये 10 मिनट का समय ही तो भगवान के नाम में लगाता हूँ और यह भी उसको इस समय मुझे परेशान और तंग करने आ गया है। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहिए और एक समय ऐसा आएगा कि जो 10 मिनट तक आपका भजन में मन लग रहा था वही आपका भजन घंटों तक चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस नियम से, संयम से और एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ राम नाम का जाप कीजिए और अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए, अपने जीवन में उन्नति कीजिए, जिससे कि आप संसार में जन कल्याणार्थ कुछ सहयोग देने में समर्थ बन सके। तो ये कुछ बातें होती हैं मन को वश में करने की। अगर आप इन्हें अपना लेते हैं तो आपका कितना भी मन कहीं पर भी भटक रहा है तो वह मन आपके अंकुश में आ जाएगा, आपके वश में हो जाएगा और कभी भी वह मन आपका आपके साथ धोखा नहीं करेगा और आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपका जीवन सफल बनेगा और आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में आपको प्राप्त होने लगेगा और श्री राम जी की कृपा आपको स्वतः ही मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, जय हनुमान।